सर नेशंस बन रही हैं तरबियत से, हम नेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिग्रियों से। और आज अलमिया क्या है, और हजूर जिस शख्स को 1951 में कपड़े के दो थान लेके कराची की गलियों बाजारों में फिरने वाला एक शख्स ख्वाब देखता है, कोई उसके पास सोशल वर्क की डिग्री नहीं होती, फकत जज्बा होता है, फकत यकीन होता है कि ख्वाब देखने वाले की चप्पल फटी हुई हो, कपड़े पुराने हो, सर पे गर्द पड़ी हो, अल्लाह उसकी मदद कर ही देता है। ख्वाब देखना जरूरी है। तो ख्वाब देखने वाला एक शख्स कपड़े के दो थान लेके ख्वाब देखता है कि मुझे इस कौम की मदद करनी है, मैंने एक फिलेंथ्रोपिस्ट बनना है, मैंने बड़ा काम करना है। वो ख्वाब देखने वाला शख्स पिछले साल दफन हुआ 19 तोपों की सलामी के साथ, दुनिया उसको ईदी के नाम से जानती है। उस शख्स ने बता दिया कि काम करने के लिए डिग्रियां कम चाहिए, जज्बे ज्यादा चाहिए। उस शख्स ने बता दिया कि तुम्हारे पास अगर फूटी कौड़ी नहीं है, ख्वाब सच्चा है, जुस्तजू सच्ची है, लगन सच्ची है, तो अल्लाह तुम्हें जरूर तुम्हारी मदद करेगा। हमें आज ये सबक सीख के जाना है। अगर आप सादकाबाद का मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं, खुदारा मैंने इस सादकाबाद के बच्चों को यूईटी में भी देखा है, मेडिकल कॉलेजेस में भी देखा है, अफसर बनते भी देखा है, जज भी देखा है, वकील भी देखा है। खुदारा अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत जरूर करें, खुदारा तरबियत कीजिए। मैंने 10 साल DSD में पढ़ाया, बड़े शर्म के साथ ये बात कहूंगा, आपके 90% हेडमास्टर ऐसे हैं जिन्होंने सीरत का मुतालिया नहीं किया हुआ, आपके 80% हेडमास्टर ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक का तर्जमा नहीं पढ़ा हुआ। और सर अंधे को अंधा गाइड कर रहा है। आप चाहेंगे मुल्क बदले, सर मुल्क बदलने के लिए तो दो तहरीकें चाहिए। पहली तहरीक चाहिए कि कुरान पढ़े बगैर डिग्रियां नहीं मिलेंगी, दूसरी तहरीक चाहिए कि सीरत के मुताले के बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। हम कब तक मिस्टर चिप्स पढ़ाते पढ़ाते, ओल्ड मेलंदी सी पढ़ाते पढ़ाते कौम को गुमराह करते रहेंगे? हजूरे वाला हमारे लिए तो एक ही लीडर काफी है, जिसे दुनिया की तारीख में रिसर्च करने वाला माइकल हार्ड लिखता है। वो कहता है जी मैंने दुनिया की तारीख जब लिखनी शुरू की और ये लिखना शुरू किया कि दुनिया के बड़े इंसान कैसे होते हैं, सारे क्राइटेरिया बना लिए, असूल जाब्ते और पैमाने बना लिए, और उसके बाद 1979 में दी 100 जब उसने दुनिया के सामने प्रेजेंट की, ये वो किताब थी जो दुनिया में 70 जुबानों में तर्जुमा हो चुकी है, लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं, ये दुनिया के 100 मौसर तरीन लोगों के नाम बताती है। तो पहला नाम नामी मेरे रसूल का नाम था, पहला नाम नामी मेरे रसूल का था। उसने दुनिया को बताया, ये वो शख्स है जिसने दुनिया को अपने किरदार, अफकार, सोच और अमल से साबित कर दिया कि किरदार, सोच और अमल अगर आपके पास, सच आपके पास है, तो दुनिया में आप अकेले चले आपका काफिला बन जाएगा। अगर ये सच आपके पास नहीं है, ये आपके पास सच नहीं है, तो आप तने तनहा अकेले ही रह जाएंगे, काफिले खत्म हो जाएंगे आपके। हजूरे वाला माइकल हार्ड के खिलाफ तहरीक चल गई, किताब बैन हो गई, दुनिया ने, स्कॉलर्स ने उसको कहा, दुनिया के जो अथीस थे उन्होंने कहना शुरू किया, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कहना शुरू किया कि नाम बदल लो। वो कहते मैं पैमाने कैसे बदल दूं, मुझे दुनिया में मोहम्मद के अलावा मौसर मिला ही कोई नहीं, इतना मौसर मैंने शख्स देखा ही कोई नहीं जो एक जिंदगी में बताता है कि अगर तुम बाप हो और बेटी आ जाए तो अपनी चादर उसके लिए बिछा देनी है, जो तुम्हें बताता है कि ताकत की इंतहा के बावजूद, अल्लाह के करम के बावजूद अगर छुपना पड़ जाए, गार में छुपने के बाद दुनिया का कमजोर तरीन जाला उसको बचा रहा है, एक कमजोर तीन जाला बता रहा है कि अल्लाह अगर अपनी हिकमत दिखाए तो एक जाले से भी, एक मकड़ी के जाले से भी कायनात की सबसे कीमती जात को बचा सकता है। हजूरे वाला याद रखिए, हमें आज तरबियत की तहरीक चलाने की जरूरत है। मेरा दिल करता है ये तहरीक इस्लामाबाद से ना चले, मेरा दिल करता है ये तहरीक कराची से ना चले, मेरा दिल करता है ये तहरीक लाहौर से ना चले, मेरा दिल करता है ये तहरीक सादकाबाद से चले।